डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल करेंगे कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज के, जो कि नोजल के थ्रू हो रहा है। तो प्रॉब्लम में दिया हुआ है फाइंड द कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज। तो कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज को शॉर्ट फॉर्म में सीडी भी बोलते हैं। इफ द स्टीम एट ए प्रेशर ऑफ 10 बार एंड 200 डिग्री सेंटीग्रेड, यदि कंडीशन वहां पे स्टीम की दी हुई है 10 बार पे और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, उसको यदि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नोजल में सप्लाई कर रहे हैं विथ ए थ्रॉट एरिया ऑफ 1400 mm स्क्वायर, तो हमें कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज निकालना है। यदि वहां पे एग्जिट प्रेशर या डिस्चार्ज बोलना चाहिए कि बहुत मैक्सिमम हो रहा है, उसके लिए भी कंडीशन दी हुई है और एक्चुअल फ्लो ऑफ स्टीम जो है वो 7200 केजी पर आवर दिया है, तो कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज का जो सीधा सा मतलब होता है कि एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो रहा है और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज कितना हो रहा है। तो एक्चुअल डिस्चार्ज तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल फ्लो ऑफ स्टीम के फॉर्म में, उसको हम केजी पर सेकंड बना देंगे, और जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है वो हमारे फार्मूले से निकल के आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल जो भी हमारे पास फार्मूला था उससे हम थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को निकाल लेंगे। तो प्रॉब्लम करने से पहले डेटा गिवन लिखेंगे। तो P1 प्रेशर दिया हुआ है 10 बार इनिशियल कंडीशन लेवल पे, इसको हम 10 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। T1 जो है वो दिया है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 473 केल्विन। फिर उसके बाद एरिया दिया हुआ है 1400 mm स्क्वायर, तो इसको हम मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, और जो मास है जिसे कि एक्चुअल मास बोलेंगे ये यहां पे दिया हुआ है 7200 केजी पर आवर, तो इसको चेंज करके हम करेंगे 72 केजी अपॉन आवर जो होता है वो 3600 सेकंड के बराबर होता है। तो यहां पे जो मास ऑफ एक्चुअल रहेगा वो निकल के आ जाएगा 2 केजी पर सेकंड। अब यहां पे अपने को फाइंड आउट जो करना है वो है कॉफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज। जैसे कि हम सीडी भी बोलते हैं, और सीडी इज इक्वल टू होता है एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, ये सीडी का फॉर्मूला होता है। तो यहां तक हमें जाने के लिए एक्चुअल डिस्चार्ज क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज के लिए जो हमें मेहनत करनी है उसके लिए सबसे पहले हमें इनिशियल वॉल्यूम पता होना जरूरी है और मैक्सिमम डिस्चार्ज पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम निकालेंगे जो वो वी वन कहलाता है, जिसके लिए फार्मूला होता है एम आर टी वन अपॉन पी वन, ये फार्मूला होता है इनिशियल वॉल्यूम के लिए। तो हमारे पास जो एम है वो 1 केजी लेके चलते हैं, और यूनिट मास आर की वैल्यू 287 है, टी वन की वैल्यू दी है 473 अपॉन P1 की जो वैल्यू है यहां पे दी हुई है, T1 भी दिया था और P1 भी दिया हुआ है 10 इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इससे जो V1 निकल के आ रहा है वो 0.135 मीटर के ऊपर केजी निकल के आ रहा है। एक तो ये V1 है जो हमें अभी जरूरत पड़ेगी मैक्सिमम डिस्चार्ज में। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो फार्मूला होता है वो है एरिया अंडर रूट ऑफ 2n अपॉन n प्लस 1 इंटू पी वन वी वन ब्रैकेट में 2n प्लस 1 टू द पावर 2 अपॉन n माइनस 1, ये फार्मूला होता है। यहां पे जो n की वैल्यू है वो 1.3 लेना है फॉर द सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि टेम्परेचर जो है शुरुआत वाला 210 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो यहां पे हम मान सकते हैं कि स्टीम की कंडीशन सुपर हीट रहेगी क्योंकि सेचुरेशन टेम्परेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। तो सभी वैल्यू हमें पता है, एरिया की वैल्यू पता है
स्मॉल एन की वैल्यू हमने यहां पे ले ली है, पी वन जो है यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन में, फिर उसके बाद जो वी वन है ये कैलकुलेट होके आ चुका है, बाकी एन की वैल्यू स्मॉल एन की वैल्यू हमारे पास यहां पे दी हुई है। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज के फार्मूले में पुट कर देंगे तो एरिया जो अपने पास 1400 × 10⁻⁶ दिया है अंडर रूट ऑफ 2n 2 × 1.3 अपॉन 1.3 + 1 मल्टीप्लाई बाई पी वन 10 × 10⁵ अपॉन वी वन, वी वन की वैल्यू 0.135 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन एन प्लस 1 1.3 एन की वैल्यू दी स्मॉल एन की प्लस 1 2 अपॉन 1.3 माइनस ऑफ 1। तो जो मैक्सिमम डिस्चार्ज निकल के आएगा वो वैल्यू आएगी 2.54 केजी पर सेकेंड, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज की वैल्यू आ गई। अब जो हमारे पास फार्मूला था एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थियोरेटिकल डिस्चार्ज, तो दिस इज द मास एक्चुअल और ये नीचे वाला है थियोरेटिकल जिसे कि हम मैक्सिमम डिस्चार्ज भी बोल रहे हैं। तो यहां पे अब सीडी वाले इक्वेशंस में हम रख देंगे तो मास एक्चुअल जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा गिवन में, फिर मास थियोरेटिकल जैसे कि हम मैक्सिमम डिस्चार्ज भी बोल रहे हैं ये निकल के आ चुका है। तो मास एक्चुअल जो है 2 केजी पर सेकेंड है और जो मैक्सिमम डिस्चार्ज है ये 2.54 है केजी पर सेकेंड। तो सीडी का जो वैल्यू निकल के आएगा वो है 0.787। तो इस तरीके से हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इस प्रॉब्लम से निकाल लिया जो कि हमें रिक्वायर्ड था।